सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, टीम इंडिया ने जो है तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को एक तरफा हरा के जो ये सीरीज है उसको 2-1 पे लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, पहले जो है हम सभी को लग रहा था कि जो इंग्लैंड की टीम है वो इंडिया को बड़ी आसानी के साथ में सीरीज को हरा सकती है, लेकिन टीम इंडिया नंबर वन क्यों है ये टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच में बता दिया, जहाँ पे जो है इंग्लैंड की टीम को तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी चलने नहीं दिया। सिर्फ जो है बेन स्टोक्स और जॉस बटलर ने थोड़ी बहुत फाइट दिखाई, लेकिन जो टारगेट था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसके चलते जो है इंग्लैंड की टीम को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, टीम इंडिया की जो जीत की नींव थी वो दोस्तों पहले इनिंग में हार्दिक पांड्या ने रख दी, जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने पहले इनिंग में जो है 5 विकेट झटक के भारत की जो जीत थी उसको थोड़ी बहुत पक्की कर ली। फिर उसके बाद जो है विराट कोहली, हम सभी को पता है ये खिलाड़ी कितना बड़ा है, 23वीं टेस्ट सेंचुरी जो है विराट कोहली ने तीसरे मैच में लगा दी, जहां पे जो है पहले इनिंग में अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट झटके और दूसरे इनिंग में जो है जसप्रीत बुमराह ने भी 5 विकेट झटक लिए। तो दोस्तों, कुल मिला के जो है तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, जहाँ पर जो है टीम इंडिया ने स्लिप में कैचेस बहुत बढ़िया पकड़े। वहाँ पर जो है केएल राहुल ने बहुत ज़्यादा कैचेस पकड़े स्लिप में, फिर विराट कोहली ने अच्छे कैच पकड़े और दोस्तों ऋषभ पंत ने जो है विकेट के पीछे कुल 5 कैच लिए हैं। तो कुल मिला के जो है तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया के बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर और स्लिप फील्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया घटा है। तो दोस्तों, आखिरकार टीम इंडिया ने बता दिया कि टीम इंडिया क्यों है नंबर वन टीम पूरी दुनिया में, जिसका जो है इंग्लैंड की टीम को करारा जवाब मिल गया होगा। और चौथा जो टेस्ट मैच है वो होने वाला है 30 अगस्त को साउथहैम्पटन में। तो देखते हैं क्या इंग्लैंड की टीम सीरीज़ को जीतती है या फिर टीम इंडिया सीरीज़ को 2-2 पर ला के बराबर खड़ी करती है। तो ये जो आज की जीत है टीम इंडिया की ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और सभी भारतीय फैन जो है इस जीत से बहुत ज़्यादा खुश हुए रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ये थी एक छोटी सी वीडियो टीम इंडिया की विक्ट्री के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो ज़रूर से पसंद आई रहेगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।